गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हमें इस होटल से करना पड़ा है चेकआउट, बिकॉज आज की डेट की यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी। सो हमने फिर कहीं और का होटल कर रखा था, बस आज लास्ट डे ये, कल तो हम लोग चले ही जाएंगे। तो एक दिन के लिए अब हमारा कोई और होटल होगा। तो बस अभी चेकआउट ही चल रहा है, मनु भी अभी बैग्स वगैरह लगेज मतलब बाहर अभी रख रहे हैं। तो अब हम जाएंगे दूसरे होटल, नींद भी पूरी नहीं हो रखी है। यहाँ का तो अर्ली मॉर्निंग 10 बजे का चेकआउट है, और कल रात को हमने बताया था, हम 4:30 बजे तो आए थे कैसीनो से, तो नींद भी पूरी नहीं पड़ी। शक्ल भी वैसे 12 बजे पड़ी है। तो और जहाँ हमारा होटल है वहाँ पर भी हमें 2 बजे का चेक इन है। और तो अभी हम यही सोच रहे हैं बैग्स वगैरह हम अपने उस होटल में रख कर फिर वहाँ से हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए चले जाएंगे। तो हमारा थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, भूख भी बहुत अभी लगी हुई है सुबह से। तो बस अभी तो फिलहाल यही है। और ना मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आपके ब्लॉग में खाना होता है, घूमना होता है। सो गाइज, अगर आप आउट ऑफ स्टेशन पे हैं तो आप घूमोगे, खाओगे और क्या करोगे? इसके अलावा और कोई काम तो नहीं होता ना। तो यही मतलब ट्रिप्स पर तो यही चलता है, तो बस हम भी वही कर रहे हैं। सो आइए आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। मन्नू जी आ जाओ। सो गाइज, बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। बहुत अच्छा था ना, से अच्छा रहा इधर। सो गाइज, मन्नू लोग ना सब्सक्राइबर पूछ भी रहे थे क्या चार्जेस है, तो एक बार आप चार्जेस बता दो। चार्जेस है गाइस, हमने 3 दिन के करवाए थे तो 10,000 हमें पड़े थे। डिस्काउंट बढ़ गया था 10,000 रुपए 3 दिन का हो गया। मेक माई ट्रिप पे वैसे 5,000 प्लस के है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस के अलावा 10,000 रुपए नहीं नहीं टैक्सेस के साथ था, 10,051 का हुआ था टोटल, 10,051 का हुआ था। मतलब कुछ भी था जैसे 3,500 प्लस टैक्सेस था। हाँ, तो हमने 3 दिन ही कराया तो डिस्काउंट करके हमें पता नहीं 10,000 कुछ का पड़ता। तो हमने फिर 2 दिन का और एक्सटेंड कराया था, हमें था कि हम प्रॉपर्टी देख ले पहले कैसी है, तो हमें सही लगा था 2 दिन का और एक्सटेंड कराया था, हमें 7,500 कुछ का पड़ा था ना। अब आज तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे। चलो दूसरी जगह चलते हैं। चलो गाइस, हम लोग अपने न्यू होटल पे आ चुके हैं जो सिर्फ बर्थडे के लिए है। सो मैंने बताया हम लोग रूम है कैलिंगवुड पे है ना, हमें यहाँ पे अभी हमने मतलब पेपर वर्क तो कर लिया है, आपस रूम की रेडी हो रही है, रूम की करके फिर आपको थोड़ा सा इसका टूर बनवा देते तो गाइस, आज का हमारा स्टे यहीं पर ही है, ब्लू रूम्स में, ब्लूम रूम्स में। मनु, स्विमिंग पूल देख कर गर्मी कितनी लगने लग गई है, ऐसे मन कर रहा है बस डुबकी मार लो है ना। तो गाइज अभी देखते हैं, थोड़े टाइम में आते हैं स्विमिंग पूल में, पर अभी धूप बहुत ज्यादा है। हाँ, अभी इस धूप में तो हमारा मन नहीं है, बट यहाँ तक तो कर सकते हैं, धूप आगे यहाँ से। हाँ यहाँ पे सही है, आगे तो बहुत धूप है, पर मन कर रहा है ना, अभी आते हैं। तो पहले कुछ खाते हैं, ठीक है, भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, अभी दोपहर होने को हो गई है। सो गाइज, अभी हम ना निकले थे ब्रेकफास्ट के लिए, तो ये बिल्डिंग देखिए पिज्जा हट की, इन्होंने यहाँ पे गोवा में कितना प्यारा बना रखा है पिज्जा हट है ना, बहुत प्यारा बना रखा है। ये कैंडल इन साइड में ही है, तो हमें एक ये नवरता वेज रेस्टोरेंट दिखाया है, तो अभी हम वही जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी ऑर्डर करी है पाव भाजी। पाव भाजी बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा था, और यहाँ की इतनी टेस्टी लग रही थी, इतनी टेस्टी लग रही है। हाँ, तो हमने कहा चलो पाव भाजी खाते, थोड़ा हम ये वाला नॉर्थ इंडियन अपना फ्लेवर मिस कर रहे थे। और साथ में मैंने कोल्ड कॉफ़ी मंगवाई है, मन्नू ने अपने 7-Up और फ्राइड राइस मंगवाया शेजवान, तो वो आ ही रहे होंगे। और गाइस, हमारे तीसरे फ्रेंड से मिल लीजिए, इसका क्या नाम रखे है, मिस कोको, शी इज मिस कोको, से हाय, हेलो टू मिस कोको। यहाँ की पाव भाजी तो पास हो गई है, बिल्कुल दिल्ली वाला फ्लेवर है, जो हमें दिल्ली में वाला अभी तक खाना नहीं मिल पाया था, यहाँ पे बहुत सही है। और ये शेजवान फ्राइड राइस भी आगे दिखने में तो बहुत यम्मी लग रहे हैं ना, दिल्ली वाला स्वाद आ गया। हाँ, मज़ा आ गया, खा के पाव भाजी तो बहुत टेस्टी है। गाइस, बस आज तो हम रेस्ट करते रहे, बिकॉज सुबह से बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका था हम लोगों के लिए, नींद तोड़ कर 10 बजे हम लोग निकले, होटल चेंज करा, ये वे वो, तो अब हम थोड़ा इसलिए लेट ही निकल रहे, शाम के टाइम हम निकले हैं। और मैंने आज ये वाली ड्रेस पहनी, मेरे पास से कॉमेंट आ रहा है आपके पास इतनी ड्रेसेस आपने वियर क्यों नहीं करी। गाइस, एक ड्रेस के साथ पोपट हो गया, एक ड्रेस की जिप टूट गई, एक पिंक कलर की ड्रेस थी वो थोड़ी पता नहीं हल्की सी टाइट हो गई होगी, उसकी मैं खींच रहा था वो एकदम हाथ में आ गई, वो जिप टूट गई। और एक ड्रेस हमने अभी ट्राई करी थी तो उसका थोड़ा नेक का इशू लग रहा था, तो इसलिए वो ज्यादा डीप थी। हाँ, तो साफ मना कर दिया ना। नो, हाँ, तो मतलब मंगवाई थी तब तक ठीक लग रही थी, मतलब होता है ना पहनने के बाद पता चलता है कि सारी ड्रेसेस मैंने जो भी मंगवा रखी ऑनलाइन मंगवा रखी, अभी एक ही वाली ड्रेस पहनी है मैंने, इसकी एक बार लुक दिखा दीजिए। सारी मेरी पसंद की हैं ड्रेसेस। हाँ, तो ये मेरी स्टाइल की ड्रेस है, ये वाली भी बहुत सुंदर है,
ये काफी मैंने ना गोवा में काफी गर्ल्स के बारे में देखी बात की है और ये ऐसे तो मैडम जी आज बनी है मरमेड चलो जी चल मेरी मरमेड। हम अभी बस पहुंचे कैंडोली में, होटल से पास में ही था, ज्यादा दूर में नहीं है ना मनु। हाँ चलो देखते हैं यहाँ का भी कैसा है बीच, जाते जाते कैंडलिम भी देख ही लेते हैं। मनु बीच तो सेम ही है, यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं है, ये वाला सारे सेम है। नहीं वो वाले अलग थे, आगे जो मोजरिम बीच गए थे वो एकदम अलग था, वो अलग ही था। हाँ ये यहाँ के सारे सेम ही बीचेज है, नथिंग इज डिफरेंट। अपने कैलंगुटी चलते हैं बागा। हाँ क्या हुआ मतलब जैसे बाहर का भारी रखे हुए ना तो बहुत ठंडा नहीं है, मतलब मगर यहाँ के फ्रेश होते हैं बिल्कुल, बढ़िया होते हैं। पी लो अभी। नहीं बस पी तो लिए थोड़ा सा, गरम है इसलिए नहीं पी रहा मैं। अच्छा नारियल पानी, नारियल पानी, नारियल पानी ऐसा होता है। हाँ चलो कोई नहीं, मैंने अपने लिए मंगवाया है व्हाइट सॉस पास्ता कैलंगुट बीच पे ही, वहीं पे जहाँ से हमने डिनर किया था, तो वहीं पे हम अभी इस ट्रिप का डिनर भी यहीं पे ही करके जा रहे हैं। सो गाइस कैलंगुट से तो अभी बीच से हम आए हैं, काफी तो लिया हमने, ज्यादा बाहर नहीं दिखाया बिकॉज बहुत ज्यादा हम ब्लॉग में दिखाई चुके हैं। तो अभी हम यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं बिकॉज कल तो हमें जाना ही है, अभी सबके लिए भी सामान लेना है जो लेना है। तो एंट्री होती ही ना मेरी नज़र इस कैब पे पड़ी है, ब्लैक पे बहुत अच्छी लग रही है। मनु बताओ कैसे? बहुत बहुत बढ़िया। तो ये भैया भी चुप चुप के आ रहे हैं, थोड़ा साइड लुक दिखाना, थोड़ा और किधर हो ना, इधर नहीं उधर वाला भी दिखाओ ना। अच्छा। डिजाइन वहाँ पर है। अच्छा ये होगा। ओके। अच्छी लग रही है। बहुत बढ़िया। इसमें और बेज वाली तो मैंने यही ली है, पर है ना इसकी क्वालिटी उससे बेटर है, उससे बेटर है, उससे बेटर है। एक बार चलो मैं भी देखती हूँ कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है कैप मतलब थोड़ी सी वैसी, इतनी बढ़िया नहीं लग रही जो जितनी वो लग रही है। ले लूँ क्या फिर? देख लो। मैं तो ले लूँगी। ले लो फिर। ये वाले कलर तो है देखो, ये सारे कलर्स हैं इसमें। हाँ पर ये सबसे बड़ी और अलग है, ये खुल गया इसको तो पास नहीं होगी, मुझे तो बहुत पसंद आई है। आए गर्मी भी आ रही है, काम आएगी, ले लो। ये कितने वाला है काजू? 400 का। और जो मोटे मोटे काजू है भाई, ये वाले यहाँ के जो फेमस है छिलके वाले, ये कितने के है? 300 रुपए का पैकेट। अच्छी क्वालिटी वाले और जो मोटे, ये कितने? आधा किलो के हैं? हाँ हाफ किलो। सारे हाफ के जी के। तो गाइस गोवा सबसे बेस्ट जगह है जहाँ पर काजू बहुत अच्छी वैरायटी के मिलते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के। आधा किलो छिलके वाला वो तो भैया से पूछ लेंगे। एक किलो तो ये भी तो 700 रुपए किलो पड़ गया। हाँ यहीं के ले लेते हैं। हाँ जी काजू नॉर्मल तो भैया ने तीन दिखाए है, तीन दिखाया भैया, कह रहे यही वाले लो, दूसरे वाले तो हर जगह ही मिलते हैं दिल्ली में। ये 550, 700, 600, 700 रुपए किलो। फर्क क्या है इनमें? सिंगल रोस्टेड, डबल रोस्टेड, ट्रिपल रोस्टेड। गाइस देख रहे हैं, उनको बताना चाहिए अगर दो आते हैं तो वो आपकी दुकान का नाम भी बता देंगे। हाँ जहाँ अच्छा मिलता दिखा दो। बड़े ये है ट्रिपल रोस्टेड वाले 700 रुपए किलो वाले। हाँ आप खाओ, आप खाओ। तो भैया कह रहे हैं जो ये 600 रुपए किलो वाला है इसकी जो स्किन होती है ऊपर वो निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है, जो 700 रुपए किलो वाला है वो एक सेकंड में यूं प्रेस करते ही निकल जाएगा। तो भैया बता रहे हैं कि छिलना कैसे है, छिलना कैसे है? ये जो नीचे का तोड़ देने का सर, तोड़ दिया आगे से पीछे प्रेस करो, ठीक है? तो ऐसा से ऐसा हो जाए, अच्छा टूटा भी नहीं, टूटा भी नहीं, टूटा भी नहीं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं सबसे महंगा यहाँ का, सबसे महंगा है ना,
सबसे महंगा काजू यहाँ का और छिलके वाला 1200 रुपए किलो। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि ऐसा काजू कैसा है, हम खुद देखना चाह रहे हैं कि छिलके वाला वो भी 1200 रुपए किलो है। देखिए पता होना चाहिए ना गाइस, टेक्निक समझाई थी। ये दुकान का नाम बताओ अपनी। श्री गणेश काजू शॉप होलसेल है। ओके पूरा प्रॉब्लम दिख रहा है, एक ही साइज से, एक साइज से है, इसमें छोटा वाला मिक्स आता ही नहीं। तो भैया आप यही वाला कर दो जो हमें पसंद है, 5 किलो कर देना, ठीक है ना? 5 किलो, 5 किलो हाफ हाफ के जी, 10 जगह, ठीक है, 10 जगह करने भी हाफ हाफ के जी। जब तक आप वो निकाल लो मार्बल वाले। हाँ जी, हाँ जी भाई। सो हमने तो यहाँ से काजू की शॉपिंग कर ली है, सो 10 पैकेट हमने बनवा लिए 5 kg के, और ये कैंडी चॉकलेट जो हमें बहुत अच्छी लगी है तो हमने फिर ले ही लिया है, और हमने कहा ये भी हम भी खा लेंगे, सबको को परी को भी बहुत पसंद आएगी, है ना? परी के लिए तो स्पेशली, अभी परी के लिए कोई खिलौना अच्छा सा देखते हैं जो स्पेशली गोवा में ही मिलता है, ऐसा खिलौना ढूंढना उसके लिए जो सिर्फ गोवा के अलावा उसे कहीं ना मिले। उसकी मम्मी इतना डांटेगी हमें, बेटी को चॉकलेट खिला दी, दांत खराब हो जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे। छोटी है ना तो खाती भी, उसको चॉकलेट ज्यादा पसंद है। हाँ चलो बस अब ये लेते, भैया पैक कर दीजिए ना, ये पैक कर मनु। ये देखो यहाँ पे ना बहुत सारे हम पापड़ हैं, तो मैंने ना ये इमली का है, देखो इमली बार, इमली का खाया था हम पापड़। ये तो भाई पापा के, ये तो वही है ना जो हम खाते हैं इमली। हाँ ये तो टैमरिंड, हाँ इसका हम पापड़ भी आ गया। ये तो पापा को अच्छा लगेगा, और ये तो मीठा हम पापड़ जो हम खाते हैं, ये वाला तो पापा को अच्छा लगेगा, ये वाला, ये वाला ठीक है। तो मैंने ये ले लिया, जो हाँ ले लो, सारे ले लो, मिक्स फ्रूट बार, ये बेकार हो गया यार, ये बेकार, चलो ये उठा लिए, ठीक है 5। ठीक है ठीक, कौन से? इमली बार, कच्चा आम, मीठा आम, बाकी तो दो दो। हाँ ठीक है, ओके, इमली वाले का दो उठा लेते, कच्चा आम चलो ठीक है, मैं तो पहली बार देखा कच्चा आम भी आता है। ये 5 लिए, ठीक है, एक दो, ठीक है। ये हमारे तरफ से दिक्कत क्या भैया? अरे भैया इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या भैया इसमें क्या है? ये थैंक यू, थैंक यू भैया, चलो थैंक यू भैया, ओके। हाँ जी पूजा जी, यहाँ कैसे, क्या कर रहे हो? किसके लिए? परी के लिए। अच्छा कुछ उसके लिए ऐसा कुछ अच्छा सा देखो भैया। अरे कुछ 3 साल के बच्चे के लिए दिखाओ, 2.5-3 साल के बच्चे के लिए। मैग्नेट्स अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ वो इलाज से बचाएंगे, मैग्नेट्स भी ले रहे घर के लिए ना? हाँ ले लेते हैं, इवी लाइक का देखते हैं, तो देखते हैं अभी इसके लिए कुछ पसंद आता है तो ठीक है, अपडेट कर दे। बच्चों के लिए तो काफी है, वो स्कूटी के लिए मेरे लिए की रिंग भी ले लो, की जो होती है। मुझे ना परी के लिए ये बात सारा कुछ देख लिया, सब कुछ दिल्ली में अवेलेबल रहता है आजकल, उसे बैग का बड़ा क्रेज रह रहा है ना, ये देखो कितना क्यूट सा बैग है, सामान लेके जाएगी आपसे, आ जाएगा परी को? हाँ आ जाएगा, मुझे यहाँ आ गया तो, वो तो बहुत छोटी है, अच्छा ठीक है, ऐसे गार्ड बांध देंगे ना, छोटा हो जाएगा, नहीं अच्छा है। और इस पे देखो बच्चों वाला है, क्यूट सा, और ये वाले बैग में कहीं पे मिले, मैंने तो दिल्ली में नहीं देखे वाले बैग, अपने लिए तो ले ली थी, आप देखो बच्चों वाला जाने दो, परी के लिए ले लेते बच्चों के लिए, चलो कोई नहीं ले लो फिर, यही वाला ये कर दो भैया। हाँ जी पैकिंग कर रहे हो? हाँ जी खत्म ही हो गया, हाँ सुबह निकल जाएंगे, 3 बजे की हमारी फ्लाइट है, दिल्ली में लैंड कर देंगे 5:30 बजे। पता नहीं
खत्म हो गया, बड़ी मुझे पता चला बड़ा छोटा छोटा हफ्ता बीत गया, छोटा लग रहा है मैडम को। हाँ मुझे छोटा लग रहा है हमें ना कि बहुत चीजें एक्सप्लोर और करनी थी। कोई नहीं फिर आएंगे। बट गाइस हमने ना ये सोचा कि हम ना बस अपना मोमेंट एंजॉय करना चाहते थे, तो अब मैं वीडियो अभी ब्लॉग भी लेट आ रहे हैं बिकॉज हम लोग इतना ज्यादा टायर्ड हो रखे हैं ना, बस हम एक दिन का तो जाके रेस्ट लेंगे प्रॉपर ना, प्रॉपर एक दिन का रेस्ट चाहिए मुझे कि हाँ जिसमें मुझे कुछ नहीं करना, कोई वीडियो नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आपसे लेटना है, बस वो चीज़ें मुझे चाहिए। और ये भी कमेंट डाल रहे थे कि आप लोग घर में पे गए हो, आप लोग वीडियो भी डाल रहे हो। सो गाइस ये भी हमारा वर्क है और जैसा आप लोगों को पता ही होगा सोशल जो भी वर्क रहता है इसमें ना मतलब कंटिन्यूटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम 7-8 days का गैप ले लेते हैं तो रीच बहुत ज़्यादा गिर जाती है। हमने बहुत मेहनत से इधर तक काम किया है तो कुछ दिन छोड़ने पे एकदम से रीच डाउन हो जाता है, तो इस वजह से भी हम नहीं चाहते थे कि, और ठीक है ना हमारा काम ही ऐसा, साथ दिन काम करो साथ में इंजॉय करो। चलो कर लो फिर आप पैक। ठीक।